प्यारे बच्चों, मेरे YouTube चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। और आज अपन पढ़ेंगे रिऑप्टिक्स का टॉपिक 17 और टॉपिक का नाम है वेलोसिटी ऑफ इमेज इन केस ऑफ प्लेन रिफ्रैक्शन। क्या मतलब है इसको सुनो, फिर इसके अपन कंसेप्ट बताएंगे क्या होता है। सपोज ये वाटर है, यहाँ पे कोई आपका बर्ड है और इसकी स्पीड मान लो 12 सेंटीमीटर पर सेकंड। और इसके अंदर फिश है इसकी स्पीड सपोज 6 सेंटीमीटर पर सेकंड। या बाढ़ है, डाउनवर्ड भी हो सकती है, अपवर्ड भी हो सकती है, बर्ड की स्पीड ऊपर भी हो सकती है, नीचे भी हो सकती है। और ये पानी का जो लेवल है, जो रिफ्रैक्टिंग सरफेस है, उसकी स्पीड है 1 सेमी पर सेकंड। तो क्वेश्चन ये है कि बर्ड को इसकी स्पीड कितनी दिखाई देगी और फिश को बर्ड की स्पीड क्या दिखाएगी। मतलब क्वेश्चन ये है, फाइंड द फर्स्ट वेलोसिटी ऑफ फिश, वेलोसिटी ऑफ फिश सीन बाय बर्ड। और दूसरा है वेलोसिटी ऑफ बर्ड सीन बाय फिश। मतलब बर्ड को इसकी स्पीड क्या आती जाती प्रतीत होगी और फिश को भी बर्ड की स्पीड क्या दिखेगी, देखते हैं। तो अपन ने फॉर्मूला ड्राइव किया था पहले, एन टू अपॉन एन वन। एन टू क्या है, वो मीडियम जिसमें रेज जा रही है, अपेरेंट डेप्थ अपॉन रियल डेप्थ। ठीक है, ये एन टू क्या चीज़ है, जिसमें रे जा रही है, और एन वन है जिससे रे आ रही है सरफेस पर। मतलब जैसे इससे इससे आ रही है, इससे आ रही है, वो दूसरा, ये अपेरेंट डेप्थ। ये अपन पहले फॉर्मूला बता चुके हैं, और ये रियल डेप्थ। तो अपन थोड़ा सा इसको वाई और एक्स लिख देते हैं। तो एन टू अपॉन एन वन, इसको अपन अपेरेंट डेप्थ को जनरली वाई लिख रहे हैं फिलहाल, और इसको एक्स लिख रहे हैं। मतलब ये अपेरेंट डेप्थ अपॉन, तो अपन उसको लिखते हैं वाई इक्वल टू एन टू अपॉन एन वन एक्स। अब दोनों तरफ हम डिफ्रेंशिएशन करते हैं, तो एन टू अपॉन एन वन तो कॉन्स्टेंट रहेगा, तो डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू डी टी डी टी एन टू अपॉन एन वन डी एक्स वाई डी टी। अच्छा, ये डी एक्स वाई डी टी एक्स क्या चीज़ है इसके अंदर, रियल डेप्थ। तो ये जो आएगा, अच्छा रियल डेप्थ होता है ऑब्जेक्ट्स से निकलती है एक्चुअल में, तो ये तो हो गया वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। क्योंकि रियल डेप्थ जब चेंज होगी तो इसका मतलब है वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट से होगी, और ये वाई अपेरेंट डेप्थ जहां पे इमेज बनती है, तो ये हो जाएगी, इसमें चेंज होगा तो ये आ जाएगा वेलोसिटी ऑफ इमेज, वेलोसिटी ऑफ इमेज। आया समझ में? अच्छा, ये अपने किससे लिए, सारी सरफेस से लिए, जो अपने डी और डी डैश किससे लिए, सरफेस से। तो आएगा वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विद रेस्पेक्ट टू सरफेस, विद रेस्पेक्ट टू सरफेस, जो आपका प्लेन सरफेस है उससे आएगा। और ये भी ऐसे ही वेलोसिटी ऑफ इमेज
विद रेस्पेक्ट टू सरफेस। तो ये पूरा फॉर्मूला क्या बन गया इस केस में, जो अपन को फाइनल फॉर्मूला जो ध्यान रखना है, इसको मैं रब कर देता हूं, आप पॉज करके उतार लेना। वी आई विद रेस्ट वी आई एस सरफेस इज इक्वल टू एन टू अपॉन एन वन वी ओ एस विद रेस्पेक्ट, इसको वी आई माइनस वी एस विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड निकालना है। ये तो विद रेस्पेक्ट टू सरफेस है, तो अपन जानते हैं वी ए बी क्या होता है, वी ए इज इक्वल टू वी ए माइनस वी बी विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड इज इक्वल टू एन टू अपॉन एन वन वी ओ माइनस वी एस। ये आपका फॉर्मूला हो गया आपका कंप्लीट। अब सवाल को अपन करते हैं, जो क्वेश्चन दिया हुआ है उसको देखते हैं, करते हैं। व्हाट इज फाइंड द वेलोसिटी अपरेंट अपरेंट वेलोसिटी ऑफ दिस, अपरेंट ही आएगी अपरेंट वेलोसिटी, लिख लो। व्हाट इज द अपरेंट वेलोसिटी ऑफ दिस सीन बाय बर्ड, और दूसरा है, दूसरा भी अपरेंट वेलोसिटी लिख देना, अपरेंट वेलोसिटी, ठीक है लिख लेना आप, अपरेंट वेलोसिटी ऑफ बर्ड सीन बाय फिश। ये आपका फॉर्मूला मैंने बना दिया, इसको कैसे यूज करना देखो। अच्छा, ये वी एस और वी आई विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड है, मतलब विद रेस्ट टू, अब देखो फर्स्ट क्वेश्चन आपका, इसका सॉल्यूशन करते हैं। अपरेंट वेलोसिटी ऑफ फिश सीन बाय बर्ड, अब सीन बाय बर्ड तो फिश से रे चलेगी और किस में जाएगी, बर्ड में, क्योंकि बर्ड देख रहा है ना, तो किसको, फिश को, तो फिश एन वन होगा और एन टू क्या होगा, बर्ड। बोला देखो, तो वी आई वेलोसिटी इमेज वी एस, अब देखो इसमें सरफेस को अपन अब वार्ड को पॉजिटिव ले लेते हैं, अब वार्ड को क्या ले लेते हैं, पॉजिटिव, और डाउन वार्ड को नेगेटिव, ये अजुम्पशन, कोई सा भी एक अजुम्पशन ध्यान रखना, फिर इस अजुम्पशन को अपन को ध्यान में रखना है। हाँ, तो वी ओ वी एस क्या होगा, वन, इक्वल टू एन टू, एन टू क्या होगा, जिस मीडियम में रे जा रही है, तो वेलोसिटी ऑफ फिश सीन बाय बर्ड, तो आपका जो एन टू होगा वो वन होगा, वाटर में जा रही, एयर में जा रही है, और कहां से जा रही है, एन वन क्या होता है, जहां से रे चलती है, और ये हो जाएगा वाटर का फोर बाई थ्री। वी ओ ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी, अब ऑब्जेक्ट क्या होगा इसके अंदर, फिश, इसकी स्पीड कितनी है, सिक्स, और वी एस वन, तो वी आई माइनस वन थ्री बाई फोर सिक्स माइनस वन, ये हो जाएगा आपका फाइव, ठीक। तो वी आई इजिकल टू 15/4 फिफ्टीन बाई फोर प्लस वन, ये हो जाएगा आपका 19/4 19 या 4.75। अच्छा, ये प्लस में है माइनस में है, प्लस का है इधर, लेकिन अब ये फाइनल नहीं है, क्योंकि ये तो है वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड। ग्राउंड का मतलब है अगर ये बर्ड रेस्ट में होती, बर्ड अगर रेस्ट में होती तो ये दिखाई देता, एक बर्ड तो घट मूव कर रही है, क्योंकि अपन को तो वेलोसिटी ऑफ अपरेंट वेलोसिटी ऑफ फिश सीन बाय बर्ड निकालना है ना, तो बर्ड तो एक्चुअल में क्या मूव कर रही है, और ये तो विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, या ऐसा कर सकते हो कि अगर बर्ड फिक्स रेस्ट में होती तो ये दिखाई देती ऊपर 4.7। तो अपन को निकालना है वेलोसिटी ऑफ इमेज, ये निकाल बर्ड
ये निकालो, इज इक्वल टू वेलोसिटी माइनस फेरो बैटर, ये होगा क्योंकि ये विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड है या रेस्ट ऑब्जर्वर है तब दिखाई देगी, लेकिन अपना तो बर्ड तो मूव कर रहा है ना, तो वी आई वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रेस्पेक्ट टू बर्ड, वी आई माने तो वी आई कितना रहा 4.75 माइनस बी भी कितना है माइनस 12, दोनों अपोजिट वैसे ही देखा ना, दोनों अपोजिट ऐड हो जाता है तो कितना आएगा 12 16.75, प्लस में आ रहा माइनस में आ रहा मानो तो 16.75 आपको दिखाई देगी। और अपवर्ड डायरेक्शन, अपवर्ड डायरेक्शन, ये आपका आंसर होगा। तो इस बर्ड को इसकी अपरेंट वेलोसिटी 16.75 ऊपर की ओर आती दिखेगी अपरेंट वेलोसिटी। अब दूसरा सवाल कोई सेम ही तरह का देखते हैं, सेकंड क्वेश्चन, क्वेश्चन है अपेरेंट वेलोसिटी ऑफ बर्ड सीन बाय फिश, कि इस फिश को इस बर्ड की स्पीड क्या दिखेगी, ठीक है, इसकी वेलोसिटी क्या दिखेगी। अब देखो इसके अंदर n2 क्या होगा, तो इसमें वेलोसिटी ऑफ बर्ड, तो ये तो फर्स्ट मीडियम हो गया बर्ड, और कौन देख रहा फिश जिसमें जा रही है, तो जो जा रही है उसको n2 लेते हैं, तो किसमें जा रही है वाटर में, देखो तो वी आई वेलोसिटी ऑफ इमेज माइनस, अच्छा ये मैंने अखबार को पॉजिटिव लिखा तो माइनस वन इक्वल टू एन टू जिस रेट जा रही है, किसमें जा रही है वाटर में 4/3 अपॉन एन वन वन, और वी ओ अब इसमें ऑब्जेक्ट वेलोसिटी माइनस ट्वेल्व क्यों, क्योंकि वेक्टर साइन है ना, अखबार को पॉजिटिव लिया तो डाउनवर्ड को नेगेटिव लिया तो नीचे आ रहा है माइनस 12 माइनस, और सरफेस प्लस वन ये प्लस वन का रहेगा क्योंकि तो माइनस फिर प्लस वन ये आएगा, तो वी आई माइनस वन इक्वल टू ये हो गया 13 माइनस 13 जिसको 52/3 ये हो, तो इस केस में वी आई माइनस सही है ना, कैलकुलेशन देख लेना गलती ना, 13 4 52 3 ये 52/3 52 और प्लस 1 की आ जाएगा आपका माइनस 52 + 3 डिवाइडेड बाई 3, तो 52 कितना हो जाएगा ये 42 माइनस 49/3, तो वेलोसिटी ऑफ इमेज ये विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड है, ये मतलब ये ऐसे समझ लो कि वी आई क्या है वेलोसिटी ऑफ बर्ड है माइनस 14/3 का मतलब नीचे की ओर, लेकिन ये तब होगा जब ये फिश यहाँ पे रुकी हुई होती, लेकिन इसके अब क्या वेलोसिटी, तो वी आई एफ वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रेस्पेक्ट टू फिश इज इक्वल टू वी आई माइनस वी एफ। अब वी आई कितना है माइनस 49/3 माइनस वी एफ, देखो फिश ये प्लस का तो ये 6 ही आएगा भाई, ये तो माइनस 49/3 माइनस वी एफ, अच्छा ये प्लस का है 6 है, तो ये कितना हो जाएगा माइनस 49/3 और ये बटा एक लगा ले इसके अंदर माइनस 18/3 चतियारा 49 50 60 ये हो गया 67 शायद मेरे हिसाब से माइनस 67/3। तो वेलोसिटी ऑफ इमेज मतलब ये इमेज किसकी बर्ड की, तो ये बी एफ हो गया एक तरह, इमेज क्या मतलब बर्ड की इमेज, अब बर्ड की इमेज, तो वेलोसिटी ऑफ बर्ड विद रेस्पेक्ट टू फिश जो दिखाई देगी वो होगी माइनस 67
बाई 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। अब ये माइनस का मतलब क्या है, अपवर्ड या डाउनवर्ड? डाउनवर्ड। तो ये अपन ये कह सकते हैं 16 बाई 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड डाउनवर्ड, क्योंकि ये जो आ रहा बी आई ये तो विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, ये ग्राउंड का इंसेंस जब फिश रुकी हुई हो, लेकिन फिश तो मूव कर रही है ना, इसलिए अपन को क्या करना पड़ेगा, उसको विद रेस्पेक्ट टू फिश करना पड़ेगा। तो वी आई आई क्या चीज़ है, बर्ड। तो ये वेलोसिटी ऑफ बर्ड विद रेस्पेक्ट टू फिश 16.3 सेंटीमीटर डाउनवर्ड। अब माइनस लगाने की जरूरत नहीं है क्योंकि माइनस अपन हटा दिया, नीचे डाउनवर्ड लिख दिया। तो ये आपका क्वेश्चन हो गया। तो ये आपका टॉपिक यहाँ पे ख़त्म होता है। अब अपन ने नए टॉपिक के साथ फिर जुड़ेंगे। थैंक यू।